हाय गाइस, माय नेम इज नितिश एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग अपना डीप लर्निंग प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे। हम एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है एक्टिवेशन फंक्शंस इन न्यूरल नेटवर्क्स। सो एक्टिवेशन फंक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, तो हम आज वो पढ़ने जा रहे हैं। सिंस देर आर सो मेनी एक्टिवेशन फंक्शंस, तो मैं सिर्फ एक वीडियो में सब कुछ कवर नहीं कर पाऊंगा। सो मैंने प्लान किया है कि इस पूरे वीडियो को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। आज पहले पार्ट में हम लोग तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग सिग्मोइड पढ़ेंगे, हम लोग टैनेज पढ़ेंगे और हम लोग रेल्यू पढ़ेंगे। और अगले वीडियो में हम लोग बाकी जितने भी बचे हुए एक्टिवेशन फंक्शंस हैं वो कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग अपना डिस्कशन एकदम ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। विल फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कि एक्टिवेशन फंक्शंस क्या होते हैं। सो आई नो आपको ऑलरेडी पता होगा शायद कि एक्टिवेशन फंक्शन क्या होते हैं, बट चलो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। ये डेफिनेशन मैंने विकिपीडिया से उठाया है। यहाँ लिखा हुआ है, इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स ईच न्यूरॉन फॉर्म्स अ वेटेड सम ऑफ इट्स इनपुट एंड पासिस द रिजल्टिंग स्केलर वैल्यू थ्रू अ फंक्शन रेफर टू एज एन एक्टिवेशन फंक्शन और ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, यही होता है एक्टिवेशन फंक्शन। आगे लिखा हुआ है, इफ अ न्यूरॉन हैज एन इनपुट्स देन द आउटपुट और एक्टिवेशन ऑफ अ न्यूरॉन इज दिस, जो आगे यहां पे लिखा हुआ है, और दिस फंक्शन जी इज रेफर्ड टू एज द एक्टिवेशन फंक्शन। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे यहां पर देखो, हमारे पास एक न्यूरल नेटवर्क है जहां पर एक हिडन लेयर है जिसमें देर आर टू यूनिट्स एंड देर इज वन आउटपुट लेयर जिसमें एक यूनिट है, एक नोड है। तो यहाँ पे अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर नोड को पकड़ लेते हो, जैसे आप इस नोड को पकड़ो, तो ये नोड करता क्या है कि ये सबसे पहले अपने इनपुट्स का वेटेड सम लेता है। सो इनपुट है x1 और x2, तो ये क्या करेगा, x1 प्लस x2 निकालेगा बट वेटेड एज इन वेट्स के बेसिस पे। तो दिस वन विल बी w1 x1 और ये वाला w2 के थ्रू आ रहा है, तो दिस विल बी w2 x2। वेटेड सम निकाला, उसमें बायस को ऐड करेगा b1। ठीक है, और फिर इस पूरी चीज को एक फंक्शन में भेज देता है। ठीक है, इसी फंक्शन को बुलाया जाता है एक्टिवेशन फंक्शन। अब आपने कई तरह के एक्टिवेशन फंक्शंस पढ़े होंगे, सिग्मोइड पढ़ा है आपने रेल्यू देखा है, आपने सॉफ्टमैक्स देखा है, तो बहुत अलग अलग टाइप के मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, बट द आइडिया इज दिस कि इसी को बोला जाता है एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, सो इन शॉर्ट एक्टिवेशन फंक्शन इज अ मैथमेटिकल गेट बिटवीन जो इनपुट किसी न्यूरॉन को मिल रहा है और जो आउटपुट उससे निकल रहा है, उसके बीच का एक गेट है एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन ही डिसाइड करता है कि कोई न्यूरॉन एक्टिवेटेड होगा या नहीं, और अगर होगा तो कितना एक्टिवेटेड होगा। ठीक है, दैट इज व्हाई एक्टिवेशन फंक्शंस आर क्वाइट इंपॉर्टेंट इन न्यूरल नेटवर्क्स। इसका काम क्या होता है, क्यों ये जरूरी है, वो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। सो गाइज, नाउ लेट्स डिस्कस कि एक्टिवेशन फंक्शंस की जरूरत क्या है। ठीक है, मैं आपको एकदम सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ कि एक्टिवेशन फंक्शन की क्या जरूरत होती है। अगर आप अपने न्यूरल नेटवर्क में एक्टिवेशन फंक्शन नहीं अप्लाई करोगे तो आपका न्यूरल नेटवर्क नॉन लीनियर डेटा कैप्चर नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ लीनियर डेटा ही कैप्चर कर पाएगा। सिंपल सा आउटकम यही होगा। हम यही आर्टिकल रेफर कर रहे थे, हमने यहां तक पढ़ा। अब यहां पे आगे देखो कितना सही तरीके से इन्होंने बताया है, इफ द फंक्शन जी जो कि हमारा एक्टिवेशन फंक्शन है इज टेकन एज अ लीनियर फंक्शन, तो फिर जी ऑफ जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, जेड। ठीक है, क्योंकि एक्टिवेशन फंक्शन का कोई आउटकम नहीं होगा। Then the neuron performs linear regression or classification. In general, G is taken to be non-linear function to do non-linear regression and solve classification problem that are not linearly separable. ठीक है, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, when G is taken to be sigmoidal, the shape varying from 0 to 1 or minus 1 to 1, the output value of the neuron can be interpreted as yes, no answer or binary decision. ठीक है, so basically यहाँ पे फंडा इतना है कि अगर आपने एक्टिवेशन फंक्शन यूज नहीं किया तो वो एज इफ ऐसा होगा जैसे आपने लीनियर फंक्शन लिया है, तो फिर आपका जो मॉडल है वो लीनियर रिग्रेशन ही परफॉर्म करेगा, नॉन लीनियर डेटा के ऊपर काम नहीं कर पाएगा। अब ये पॉइंट प्रूव करने के लिए मैंने एक नोटबुक बनाया है,
लेट मी शो यू द रिजल्ट. सो ये मेरे पास एक डेटा है जो फिलहाल ऐसा दिखाई देता है. दिस इज द डेटा एंड यू कैन क्लियरली सी ये डेटा नॉन लीनियरली सेपरेबल है. मतलब एक लाइन ड्रॉ करके आप इस डेटा को सेपरेट नहीं कर सकते. सो मैंने क्या किया, मैंने एक मॉडल बनाया जिसमें दो हिडन लेयर्स थे 128 128 के. बट नोटिस करना, इसके हर न्यूरॉन को मैंने लीनियर एक्टिवेशन दिया है. आप ऐसे मान सकते हो जैसे हमने कोई एक्टिवेशन दिया ही नहीं, ठीक है. और हमारे आउटपुट लेयर को हमने वन नोड दिया और एक्टिवेशन सिग्मॉइड है, ठीक है. अब मैंने जब इस मॉडल को ट्रेन किया फॉर 500 epochs, यू कैन सी दिस इज द आउटपुट. वो अभी भी एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर पा रहा है, ठीक है. यही होता है अगर आप एक्टिवेशन फंक्शन यूज ना करो तो योर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क विल परफॉर्म लाइक अ लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल. वो एक लाइन ड्रॉ करेगा, ठीक है. बट जब मैंने सेम मॉडल के ऊपर बस इतना चेंज किया कि मैंने एक्टिवेशन दोनों हिडन यूनिट्स में, हिडन लेयर्स में रेल्यू कर दिया, ये देखो अब ये रहा रिजल्ट. सो ये जो नॉन लीनियरिटी आया, दिस वॉज बिकॉज ऑफ द नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन रेल्यू जो हमने यूज किया, ठीक है. तो आई गेस आपको इन शॉर्ट समझ में आ रहा है कि एक्टिवेशन फंक्शन की जरूरत क्या है. अगर आप एक्टिवेशन फंक्शन यूज नहीं करोगे, योर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क विल बिहेव लाइक अ लीनियर मॉडल. बट अगर आप एक्टिवेशन फंक्शन यूज करोगे तो फिर आप नॉन लीनियर डेटा के ऊपर भी क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन परफॉर्म कर सकते हो. सो गाइज, अभी जो हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि अगर आपके पास एक्टिवेशन फंक्शन नहीं होगा तो आपका न्यूरल नेटवर्क एक लीनियर मॉडल की तरफ बिहेव करेगा, इस पॉइंट को हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं. मान लो हमारे पास ये छोटा सा न्यूरल नेटवर्क है और हम फॉरवर्ड प्रोपोगेशन के बारे में बात कर रहे हैं. सो देखो यहाँ पे क्या होगा, हम फॉरवर्ड प्रोपोगेशन करेंगे और मान लो अलग अलग एक्टिवेशंस ले लेते हैं. यहाँ पर A0 है, A0 ही हमारा इनपुट होगा. यहाँ पे दो इनपुट्स मिल रहे हैं, X1 और X2. इन दोनों का मैट्रिक्स A1 A0 कहलाएगा और इस न्यूरॉन से जो आउटपुट आएगा और इससे जो आउटपुट मिलाएगा, उन दोनों को मिला के हम A1 बोलेंगे. ये हमारा इस लेयर का एक्टिवेशन है और हमारे आखिरी वाले का एक्टिवेशन A2 है. यही हमारा प्रिडिक्शन होगा. तो अगर आप देखो तो यहाँ पे फॉरवर्ड प्रोपेगेशन कैसे लगेगा कि अगर आपको A1 कैलकुलेट करना है तो A1 होगा W1, बेसिकली ये वाला वेट मैट्रिक्स, इन चारों वेट्स का जो मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाइड बाय A0 हमारा जो इनपुट है, प्लस B मैट्रिक्स या B1 बोल सकते हो, बेसिकली इसका बायस और इसका बायस का जो मैट्रिक्स है, ठीक है. तो ये हमारा एक्टिवेशन, मतलब ये Z1 हुआ. इसको आप क्या करोगे, एक एक्टिवेशन फंक्शन में भेजते हो, ठीक है, और ये आपका एक्टिवेशन होगा A1. बट सिंस हम कोई एक्टिवेशन फंक्शन यूज नहीं कर रहे तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये जी एक लीनियर फंक्शन है जिसका आउटपुट कुछ नहीं होता. तो A1 विल बेसिकली बी इक्वल टू Z1, ठीक है. मतलब इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. अब हम A2 निकालने जा रहे हैं. A2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जी ऑफ W2, बेसिकली ये जो वेट्स है इसका मैट्रिक्स, मल्टीप्लाइड बाय A1 करेंगे. A1 आपका यही है, दिस इज A1, ठीक है, प्लस B1 इसके बायस का मैट्रिक्स, ठीक है. अब ऑब्वियसली जी करने से कुछ होगा नहीं, ये लीनियर है तो आप इसको वापस ऐसे लिख सकते हो, W2 A1 प्लस B1. अब अगर आप चाहो तो A1 को रिप्लेस कर सकते हो विथ दिस W1 एक्टिवेशन ऑफ जीरोथ लेयर प्लस B1 प्लस, अच्छा बाय द वे यहाँ पे B2 होगा, सो दिस विल बी B2. अब यहाँ पे देखो अगर आप इन दोनों को एक्सपैंड कर लो तो ये हो जाएगा W2 मल्टीप्लाइड बाई W1, इन दोनों मेट्रिक्स का प्रोडक्ट, प्लस W2 B1 प्लस B2. अब इस पूरी चीज़ को हम W- लिख सकते हैं, प्लस इस पूरी चीज़ को हम B- लिख सकते हैं. तो इन अ वे हमारा जो आउटपुट है A2 वो क्या आ गया, W-A0 प्लस B-. A0 क्या है, हमारा इनपुट. A2 क्या है, हमारा आउटपुट. अब खुद देखो, इनपुट और आउटपुट के बीच में 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, विच मीन्स कि रिलेशनशिप इज लीनियर. एंड दैट इज़ वाई जब आप क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो एक सिंगल लाइन ड्रॉ हो रही थी, ठीक
ठीक है, बट अगर आप सोचो ये जो एक्टिवेशन फंक्शन है ये लीनियर नहीं होता, ये नॉन लीनियर होता लाइक सिग्मोइड, तो फिर जी ऑफ जेड वन जेड वन नहीं होता, वो कुछ और बन जाता। जैसे सिग्मोइड क्या होता है, राइट? तो जैसे आप इस तरह के किसी फॉर्मूले में लगाते तो आउटपुट जेड वन नहीं होता, वो कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स हो जाता, और उसको जब आप ए टू में भेजते तो फिर कुछ और रिलेशनशिप आता जो डिग्री वन का पॉलिनोमियल नहीं होता। तो आप क्या कर पाते, आप जो नॉन लीनियरिटी है डेटा का वो कैप्चर कर पाते, बिकॉज अब आपके आउटपुट और आपके इनपुट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो नॉन लीनियर है। तो बस यही होता है एक्टिवेशन फंक्शन की ज़रूरत, कि वो आपके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में नॉन लीनियरिटी कैप्चर करने का पावर ऐड करता है। सो इसीलिए बोला जाता है कि आपका जो एक्टिवेशन फंक्शन है इट शुड बी नॉन लीनियर, ठीक है, नॉन लीनियर। इसीलिए सिग्मॉइड एक अच्छा एक्टिवेशन फंक्शन है, रेल्यू है, आपका टैनेच है, ठीक है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। सो गाइज, अब हम लोग अलग अलग टाइप के एक्टिवेशन फंक्शंस डिस्कस करेंगे, बट वो डिस्कशन करने के पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि एक आइडियल एक्टिवेशन फंक्शन की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है? गोइंग फॉरवर्ड आपको पता होना चाहिए कि एक अच्छा एक्टिवेशन फंक्शन किसको बुलाया जाता है। सो मैं आपके साथ फाइव क्वालिटीज़ डिस्कस करूँगा। सो सबसे पहला जो क्वालिटी है जो एकदम रिक्वायर्ड है वो ये है कि आपका एक्टिवेशन फंक्शन शुड बी नॉन लीनियर, विच बेसिकली मीन्स कि आपका इफ दिस इज द फंक्शन तो वाई और एक्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, इट शुड बी नॉन लीनियर, राइट? जैसे कि अपना सिग्मॉइड है, सिग्मॉइड ये होता है, एंड कैन क्लियरली सी दिस इज अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप, कुछ ऐसा दिखाई देता है सिग्मॉइड, ठीक है, दिस इज अ नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन। क्यों ज़रूरत होती है नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन की? बहुत सिंपल है, नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन आपके पास अगर होगा तो आप डेटा में अगर नॉन लीनियर पैटर्न है आप उसको भी कैप्चर कर पाओगे, ठीक है? इनफैक्ट न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में जो यूनिवर्सल अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम है वो यही बोलता है कि अगर आपके पास नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन है तो आप इनफ नोड्स और लेयर्स ऐड करके किसी भी तरह का नॉन लीनियरिटी कैप्चर कर सकते हो अपने डेटा में, ठीक है? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सेकेंड इज आपका जो एक्टिवेशन फंक्शन है इट शुड बी डिफरेंशिएबल, ठीक है, मतलब आप उसका डेरिवेटिव हमेशा कैलकुलेट कर पाओ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि आप ग्रेडियंट डिसेंट यूज करोगे, और ग्रेडियंट डिसेंट क्या करता है, वो डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करके आपके वेट्स को अपडेट करता है। तो अगर आपका एक्टिवेशन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो ग्रेडियंट डिसेंट आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, बैक प्रोपगेशन नहीं लगेगा, इन शॉर्ट मॉडल ट्रेन नहीं हो पाएगा, ठीक है? ये काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट है बट मैंडेटरी नहीं है। जैसे कि रेल्यू एक एग्जाम्पल है जो जीरो के पास डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है, बट स्टिल हम उसको यूज़ करते हैं। बट येस, अगर आप एक एक्टिवेशन फंक्शन चूज करना चाहते हो इट शुड बी डिफरेंशिएबल। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट शुड बी कंप्यूटेशनली इनएक्सपेंसिव, ठीक है? बेसिकली डेरिवेटिव वगैरह कैलकुलेट करना शुड बी सिंपल, इजी एंड फास्ट, नहीं तो क्या होगा, आपका ट्रेनिंग विल बी स्लो। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है, ठीक है? तीन चीज़ें अभी तक डिस्कस की, नॉन लीनियर होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एंड कंप्यूटेशनली इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, ठीक है? फोर्थ पॉइंट है जीरो सेंटर्ड होना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका एक्टिवेशन फंक्शन एक ऐसा एक्टिवेशन फंक्शन होना चाहिए जिसका एक्टिवेशन जो होगा, बेसिकली जो आउटपुट होगा एक्टिवेशन का, इट शुड बी जीरो सेंटर्ड, या फिर आप बोल सकते हो इट शुड बी नॉर्मलाइज्ड, ठीक है? एम्पेरिकली इट्स प्रूवन कि आपका न्यूरल नेटवर्क थोड़ा ज़्यादा जल्दी कन्वर्ज करता है अगर उसको आप
नॉर्मलाइज्ड डेटा देते हो इनपुट में और फिर आगे के लेयर्स में भी। ठीक है, जीरो सेंटर्ड का बेसिकली मतलब हुआ कि आपके जो आगे के लेयर्स के जो एक्टिवेशन है उनका मीन इज अराउंड जीरो। ठीक है, तो ऐसा एक्टिवेशन फंक्शन जो होगा वो आपकी ट्रेनिंग का स्पीड बढ़ा देगा, कन्वर्जेंस फास्ट हो जाएगा। इस तरह का एक एग्जांपल हो गया टैन एच, हाइपरबॉलिक टैंजेंट जो आपका एक्टिवेशन फंक्शन है वो आपका एक जीरो सेंटर्ड एक्टिवेशन फंक्शन है। इसका लेकिन खुद में एक प्रॉब्लम है, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे और ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कंसिडर करने के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में वी विल हैव अ डिस्कशन। फॉर नाउ समराइज कर लेते हैं कि अगर आपके एक्टिवेशन फंक्शन से जो एक्टिवेशन निकल रहा है उन वैल्यूज़ का मीन अगर जीरो के अराउंड सेंटर्ड है तो आपका डेटा नॉर्मलाइज है, और अगर नॉर्मलाइज इनपुट मिलता है इनपुट के टाइम पे और लेटर लेयर से तो आपका जो ट्रेनिंग है इट बिकम्स फास्टर, कन्वर्जेंस इज फास्टर। ठीक है, और इस तरह के एक्टिवेशन फंक्शन का एक एग्जांपल है टैन एच। सो लास्ट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन होता है कि आपका जो एक्टिवेशन फंक्शन है इट शुड बी नॉन सैचुरेटिंग। अब आप बोलोगे नॉन सैचुरेटिंग क्या होता है, मैं आपको पहले बताता हूँ कि सैचुरेटिंग फंक्शन क्या होता है। सो सैचुरेटिंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो अपने इनपुट को स्क्वीज कर देता है, ठीक है, एक रेंज में लाके रोक देता है। जैसे कि सिग्मोइड, सिग्मोइड को आप कुछ भी इनपुट दो जो आउटपुट होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा, तो ये क्या कर रहा है, ये अपने इनपुट को स्क्वीज कर रहा है इस रेंज में। सेम गोज फिर टैन एच, टैन एच -1 से 1 में अपने इनपुट को स्क्वीज कर देता है। ठीक है, तो इन फंक्शंस को क्या बुलाया जाएगा, सैचुरेटिंग एक्टिवेशन फंक्शंस। ठीक है, वेयर एज आपके कुछ फंक्शंस होते हैं जो नॉन सैचुरेटिंग होते हैं। ठीक है, जैसे कि रेल्यू। सो रेल्यू क्या होता है, रेल्यू इज मैक्स ऑफ 0, x। ठीक है, तो x जितना बड़ा आपका आउटपुट भी उतना बड़ा, तो ये एक नॉन सैचुरेटिंग फंक्शन का एग्जांपल है। अब होता क्या है कि अगर आपके पास एक सैचुरेटिंग फंक्शन है तो फिर वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम आता है जो मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है। वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम तभी आता है जब आपका एक्टिवेशन फंक्शन इज अ सैचुरेटिंग फंक्शन, जैसे कि 0 से 1 के बीच में स्क्विश कर रहा है। तो प्रॉब्लम क्या होगा कि जब आप बैक प्रोपगेशन करोगे तो जैसे जैसे आप पीछे जाओगे आपका जो ग्रेडियंट है वो और छोटा होते जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, और एक पॉइंट पे जा करके आपके वेट्स अपडेट होंगे ही नहीं और बेसिकली आपका ट्रेनिंग रुक जाएगा। ठीक है, और ये इसलिए होता है बिकॉज सिग्मोइड इज अ सैचुरेटिंग फंक्शन, इस रेंज में ही रहता है। रेल्यू के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो एक बड़े रेंज में ऑपरेट कर रहा है, तो वहां पर वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम नहीं होता। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि यू हैव टू चूज एन एक्टिवेशन फंक्शन विच इज नॉन सैचुरेटिंग इन नेचर, विच बेसिकली मीन्स कि इनपुट को स्क्विश नहीं करता है, स्क्वीज नहीं करता है, दबाता नहीं है। सो अब हम लोग गाइज एक एक करके सारे एक्टिवेशन फंक्शंस जो डीप लर्निंग में यूज होते हैं उनके बारे में एक डिस्कशन करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन बिकॉज ये सबसे फेमस है और इसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ सिग्मोइड का, ऑल्दो आपको शायद पहले से पता भी होगा। सिग्मोइड का ग्राफ ऐसा दिखाई देता है और सिग्मोइड का फॉर्मूला ये होता है, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, अगर आप ग्राफ देखो तो आपको कुछ चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे आपका एक्स है और यहाँ पे सिग्मोइड ऑफ एक्स है, मतलब सिग्मोइड का आउटपुट। सो बहुत बड़े एक्स के लिए या फिर बहुत छोटे एक्स के लिए आपका, मतलब बहुत बड़े एक्स के लिए आपका सिग्मोइड का वैल्यू 1 के पास होता है और बहुत छोटे एक्स के लिए आपके सिग्मोइड का वैल्यू 0 के पास होता है, और अगर आपका एक्स 0 है तो सिग्मोइड का वैल्यू 0.5 होता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले समझने वाली बात है। यहाँ पर अगर आप फोकस करो तो ये सिग्मोइड के डेरिवेटिव का ग्राफ है। ठीक है, सो यहाँ पे अगेन एक्स है और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स है, सिग्मोइड का डेरिवेटिव का वैल्यू है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि
जब x का वैल्यू 0 है तो मैक्सिमम है डेरिवेटिव का वैल्यू 0.25। ऑल्सो अगर आप यहाँ पे एक दो बार्स बना लो तो x का वैल्यू 3 और -3 के बीच में ही डेरिवेटिव थोड़ा वैल्यू अच्छा है। इसके इस तरफ और इसके इस तरफ डेरिवेटिव ऑफ x सिग्मोइड x इज़ वेरी क्लोज टू 0। ये चीज़ भी आपको नोटिस करनी है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बहुत तो हम समझ ही गए ग्राफ वगैरह देख के। अब हम लोग एक डिस्कशन करेंगे कि क्या एडवांटेजेस हैं सिग्मोइड को यूज़ करने के और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सो विल स्टार्ट विद द एडवांटेजेस फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहला जो एडवांटेज है वो ये है कि सिग्मोइड का जो आउटपुट होता है वो 0 और 1 के रेंज में होता है। सो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको प्रोबेबिलिटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं और आउटपुट लेयर में इसको यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट हम ऐसा करते भी हैं, स्पेशली व्हेन वी आर डीलिंग विद अ बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। सो शायद आपने देखा भी होगा मुझे ये करते हुए कि हम जब भी एक न्यूरल नेटवर्क बना रहे हैं और एक बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हैं, लेट्स से येस और नो को प्रिडिक्ट करना है, तो हम आखिरी वाले लेयर में, आउटपुट लेयर में एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड रख सकते हैं। तो इसका जो आउटपुट होगा वो एक प्रोबेबिलिटी की तरह 0 से 1 के बीच में आएगा, जितना 1 की तरफ उतना येस, जितना 0 की तरफ उतना नो, ठीक है। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में आउटपुट लेयर में सिग्मॉइड को यूज़ करते हैं बिकॉज ये हमें प्रोबेबिलिटी बताता है, ठीक है, और ये बहुत काम की चीज़ है। सेकेंड जो हमारा बेनिफिट है सिग्मॉइड को यूज़ करने का वो ये है कि ये एक नॉन लीनियर फंक्शन है। ये तो आपको सामने सामने ही दिख रहा होगा, देर इज़ अ नॉन लीनियरिटी, ठीक है। फॉर्मूला देखिए भी समझ में आ रहा है, एक्सपोनेंट्स इन्वॉल्व है, नॉन लीनियर फंक्शन है। नॉन लीनियर फंक्शन है मतलब नॉन लीनियर डेटा के पैटर्न्स को कैप्चर कर सकता है, ठीक है। अगर आपके डेटा में नॉन लीनियरिटी है तो सिग्मोइड फंक्शन इज अ गुड ऑप्शन टू यूज, ठीक है। थर्ड जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि ये डिफरेंशिएबल है। सो अगर आपने न्यूरल नेटवर्क का ट्रेनिंग पढ़ा होगा और अगर आपने बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको पता होगा कि आप पूरे टाइम वेट्स का डेरिवेटिव निकालते हो। सो अगर आपका एक्टिवेशन फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा तो ये डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। बट सिंस ये एक बहुत सही डिफरेंशिएबल फंक्शन है, हर जगह पर ये डिफरेंशिएबल है, तो ये डेरिवेटिव कैलकुलेट करना बहुत ईजी हो जाता है व्हेन वी आर वर्किंग विथ सिग्मोइड, ठीक है। तो ये तीन सबसे बड़े एडवांटेजेस हैं सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन यूज करने के। बट अब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस। सो जो सबसे पहला डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये एक सैचुरेटिंग फंक्शन है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया सैचुरेटिंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो एक गिवन इनपुट को स्क्वीज करता है, दबाता है एक गिवन रेंज में। तो सिग्मोइड एक ऐसा ही फंक्शन है। अगर आप इसको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में एक्स दो तो वाई का वैल्यू विल ऑलवेज बी बिटवीन 0 टू 1। ये ग्राफ देख के आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये आपका एक्स कितना भी बड़ा हो सकता है बट वाई बस इतना ही बड़ा है। तो ये एक सैचुरेटिंग फंक्शन है। अब आप सोचोगे सैचुरेटिंग है तो इससे क्या नुकसान है, बहुत सिंपल, वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम होता है, वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम होता है। मैंने आपको पहले बता रखा है वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम क्या होता है। सो बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम में जो आपका ग्रेडियंट डिसेंट लगता है वहाँ पर एक अपडेट आप करते हो, अपडेट कुछ ऐसा होता है, डब्ल्यू न्यू वेट वुड बी डब्ल्यू ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय दिस डेरिवेटिव। सो अगर ये डेरिवेटिव 0 के आसपास आ जाए तो ये डब्ल्यू एन और डब्ल्यू ओल्ड बराबर हो जाएगा, जिसका मतलब है कि नो अपडेट विल टेक प्लेस। और अगर अपडेट हो ही नहीं रहा तो बेसिकली कोई ट्रेनिंग भी नहीं हो रही है, ठीक है। बस सवाल ये है कि ये डेरिवेटिव 0 होगा क्यों। बहुत सिंपल है, मान लो आपका एक्स का वैल्यू इज क्वाइट लार्ज, एक्स इज वेरी लार्ज। सो अगर एक्स बहुत लार्ज है तो ये देखो आप ये वाला ग्राफ देख सकते हो। इस ग्राफ में मैंने बताया था कि अगर 3 और -3 से
बाहर है एक्स का वैल्यू, तो आपका जो डिफरेंशिएशन होगा तो उसका वैल्यू विल बी क्लोज टू जीरो। ठीक है, अब सोचते हैं ये एक्स कब होगा, बहुत बड़ा या बहुत छोटा। बहुत सिंपल है, एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स है जब भी आप किसी न्यूरॉन का बात कर रहे हो तो जो वेटेड सम निकल रहा है। तो बेसिकली जब आप ये करते हो, इसी को बोला जाता है वेटेड सम। तो दो ही सिनेरियोज में ये ज्यादा हो सकता है, या तो आपके इनपुट बड़े हैं, मतलब एक्स वन एक्स टू का वैल्यू बहुत बड़ा है, जो जनरली नहीं होता है बिकॉज हम नॉर्मलाइज करके डेटा को भेजते हैं। तो दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि W1, W2 और B, ये वैल्यूज अगर आपने बड़ी ले ली, बेसिकली आपका वेट इनिशियलाइजेशन अगर बड़ा है, तो फिर क्या होगा कि आपका ये एक्स बड़ा होगा। एक्स बड़ा होगा तो सिग्मोइड का डेरिवेटिव बहुत ही जीरो के आसपास आएगा, और फिर आप जैसे जैसे पीछे जाते जाओगे, पीछे के लेयर्स में ये और छोटा होते जाएगा और छोटा होते जाएगा, और ये एकदम ही जीरो के पास पहुंच जाएगा, जिससे ये जो अपडेट रूल है ये अप्लाई ही नहीं होगा। नया वेट पुराना वेट सेम रहेगा, बेसिकली ट्रेनिंग रुक जाएगा। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से आज की डेट में हम सिग्मोइड को यूज नहीं करते हिडन लेयर्स में। सिग्मोइड आज की डेट में सिर्फ यूज होता है आउटपुट लेयर में, वो भी कब, जब आप बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। अदरवाइज आज की डेट में बहुत रेयरली आप देखोगे कि किसी ने अपना मॉडल ट्रेन किया है और उसने हिडन लेयर में सिग्मोइड यूज किया है। सबसे बड़ा रीजन सिग्मोइड के डाउनफॉल का है वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम क्या है कि जैसे जैसे आप बैक प्रोपोगेशन करके पीछे के लेयर्स में जा रहे हो, आपका ग्रेडियंट छोटा होते होते जीरो हो जा रहा है। ये अपडेट रूल काम नहीं कर रहा। ग्रेडियंट जीरो क्यों हो रहा है, बिकॉज ये एक सैचुरेटिंग फंक्शन है। सैचुरेटिंग फंक्शन का मतलब जब आपका एक्स का वैल्यू बड़ा हो रहा है तो इसका डेरिवेटिव जीरो के पास जा रहा है, जिसकी वजह से हम इसको यूज नहीं कर सकते। दिस इज द बिगेस्ट रीजन। और बाय द वे मैं एक बात बताना तो भूल ही गया कि अगर आप इस ग्राफ को भी देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्स की बहुत हाई या फिर बहुत लो वैल्यूज़ के लिए जो डेरिवेटिव होगा वो जीरो होगा। ये देखो इस ग्राफ को देखो आप, इस ग्राफ में आप जैसे ही इस रेंज पे पहुंच रहे हो, यहाँ पे स्लोप देखो ये जीरो की तरफ जा रहा है। चाहे आप यहाँ पे भी जाके देखो, स्लोप जीरो की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है समझने का। सो गाइज, जो सेकेंड सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन का, वो ये है कि सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन इज नॉन जीरो सेंटर्ड, विच बेसिकली मीन्स कि मान लो ये एक हिडन लेयर है, ठीक है, और इस तरह के मान लो देर आर 128 न्यूरॉन्स इस लेयर में। तो अगर आपने इन सब का एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मोइड कर रखा है, तो जब एक्टिवेशन कैलकुलेट होगा सिग्मोइड लगाने के बाद, तो जो नंबर आता है वो नॉर्मलाइज्ड नहीं होता, या फिर आप यू बोल सकते हो कि ये इन सारे नंबर्स का जो मीन है वो जीरो नहीं होता। ठीक है, ये सारे के सारे नंबर्स या तो पॉजिटिव होते हैं या फिर सारे के सारे नंबर्स नेगेटिव होते हैं, बट जीरो सेंटर्ड नहीं होते। अब आप सोचो कि इससे क्या नुकसान है। इससे नुकसान है कि आपका ट्रेनिंग स्लो हो जाता है, ट्रेनिंग गेट्स स्लो। ठीक है, उसका मतलब कन्वर्जेंस में प्रॉब्लम आती है। अब मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ विद एन एग्जाम्पल। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा बट आई गेस आप समझ पाओगे। मान लो मेरे पास एक न्यूरल नेटवर्क है जो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, और इस तरफ और लेयर्स हैं बट ये हमारे लास्ट दो लेयर्स हैं। ठीक है, ऐसा है, मान लो इस वेट का नाम है W21 मान लेते हैं, और ये है W22, यहाँ से मुझे वाई हैट मिल रहा है। ठीक है, ये जो न्यूरॉन है इसका एक्टिवेशन है A21, और इसका एक्टिवेशन है बेसिकली सिग्मोइड का आउटपुट जो फाइनली निकलेगा ये। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये निकाल रहा हूँ, W21 कैलकुलेट कर रहा हूँ और W22 कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखना लॉस डिपेंड कर रहा है वाई हैट पे। वाई हैट इज बेसिकली सिग्मोइड ऑफ जेड। ठीक है, मतलब वाई हैट डिपेंड कर रहा है जेड पे, और जेड एक्चुअली चार चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, A21 पे,
W21 पे, A22 पे, W22 पे, बेसिकली इसके आउटपुट पे, इसके आउटपुट पे, इस वेट पे, इस वेट पे, बायस पे भी डिपेंड कर सकता है, मान लो बायस भी है 3-1, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, डेल एल बाय डेल वाई हैट मल्टीप्लाइड बाय, चेन रूल लगा रहे हैं, डेल वाई हैट डिवाइडेड बाय डेल Z31, ठीक है। और डेल Z31 इज डिपेंडिंग ऑन ये W21 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली इसके लिए आप लिखोगे कुछ ऐसे, यहाँ तक सब कुछ सेम रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा W22। सो बेसिकली अगर आप नोटिस करो तो इतना पार्ट दोनों में सेम है, ठीक है। अब अगर हम फोकस करें इस चीज़ के ऊपर, ठीक है, तो देखो W31 विल बेसिकली बी A21 मल्टीप्लाइड बाय W21 प्लस A22 मल्टीप्लाइड बाय W22 प्लस B31, ये पांचों चीज़ों के ऊपर, ठीक है। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू W21 तो सिर्फ A21 मिलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरी चीज़ को रिप्लेस करके यहाँ पे लिख रहा हूँ A21 एक्टिवेशन फ्रॉम द सिग्मोइड फंक्शन, और यहाँ पे आ जाएगा सिमिलरली A22, ठीक है। सो यहाँ से मेन चीज़ शुरू होता है। सो ये मेरे पास दोनों डेरिवेटिव्स हैं इन दोनों वेट्स के, इस लेयर में यही दोनों वेट्स हैं, इन दोनों का डेरिवेटिव मेरे पास है, या फिर आप बोल सकते हो कि मेरे पास इस लेयर का ग्रेडियंट है, इस लेयर का ग्रेडियंट है। अब यहां पर देखना, ये A21 एंड A22 ये दोनों, इन दोनों नोड्स के आउटपुट हैं, यानी सिग्मोइड के आउटपुट हैं। अब आपको पता है सिग्मोइड का आउटपुट हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होता है, इसका मतलब ये और ये दोनों पॉजिटिव होंगे। अब ये इन दोनों में ही सेम है ये वाला पार्ट। अब मान लो अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब ये दोनों ग्रेडियंट्स नेगेटिव हो जाएंगे, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये दोनों ग्रेडियंट्स पॉजिटिव हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ग्रेडियंट्स या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या तो नेगेटिव हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि एक नेगेटिव हो या एक पॉजिटिव हो। तो इसका मतलब ये हुआ, समझने की कोशिश करना, कि जब आप सिग्मोइड लगाते हो तो कितने भी नोड्स हों आपके पर्टिकुलर लेयर में, उन सब का जो ग्रेडियंट है या फिर आप बोल सकते हो वेट का डेरिवेटिव है, वो सारे के सारे या तो पॉजिटिव होंगे या सारे के सारे साथ में नेगेटिव होंगे, राइट। अब समझने की कोशिश करना, हमें करना क्या है, हमें वेट्स को इस तरीके से मैनिपुलेट करना है कि हम लॉस फंक्शन को मिनिमाइज कर पाएं। बट इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या लग रही है कि हम इन सबको एक साथ या तो पॉजिटिव ही कर सकते हैं या तो नेगेटिव ही कर सकते हैं, राइट। समझने की कोशिश करना, मुझे अपने लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करना है बाय एडजस्टिंग माय वेट्स, बट वेट्स को एडजस्ट करने के प्रोसेस में मैं किसी भी लेयर में या तो डेरिवेटिव्स को सिर्फ पॉजिटिव रख सकता हूँ या नेगेटिव रख सकता हूँ। मतलब जो चेंज मैं करूँगा सारे के सारे पॉजिटिव ही कर सकता हूँ या सारे के सारे नेगेटिव ही कर सकता हूँ। सो बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड हो गया हमारा पूरा का पूरा अप्रोच। इट्स लाइक मुझे गुड़गांव से दिल्ली जाना है बट मैं लेफ्ट टर्न नहीं ले सकता, रिस्ट्रिक्शन है ये। अब कभी भी अगर रिस्ट्रिक्शन आएगा सिस्टम में तो ऑटोमेटिकली आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम ज़्यादा लगेगा, और यही होता है कि आपके एक लेयर के ग्रेडियंट्स या तो सारे पॉजिटिव होंगे या तो सारे नेगेटिव होंगे। तो फिर आप जब वेट्स को चेंज कर रहे हो ताकि एल मिनिमाइज कर पाओ, तो आपके पास बहुत लिमिटेड अप्रोच है कि आप इसी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, इसी तरीके से आप कोई दूसरा डायरेक्शन नहीं ले सकते। तो आप एक zigzag मैनर में मूव करते हो और बहुत स्लोली कन्वर्ज करते हो, और यही मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर आपके पास नॉन जीरो सेंटर्ड एक्टिवेशन फंक्शन है लाइक सिग्मोइड, जहां पे सब कुछ या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है, जीरो सेंटर्ड नहीं है, तो फिर आप बहुत रिस्ट्रिक्टेड तरीके से लॉस मिनिमाइज करते हो एंड इट टेक्स टाइम, और उसकी वजह से आपका जो ट्रेनिंग टाइम है वो बढ़ जाता है और आपका कन्वर्जेंस में टाइम लगता है, आपका बेसिकली ट्रेनिंग स्लो हो जाता है, और यही दूसरा सबसे बड़ा
डिसएडवांटेज है सिग्मोइड का। और थर्ड डिसएडवांटेज मैं आपको जल्दी से बताता हूँ, थर्ड ये है कि सिंस सिग्मोइड का फॉर्मूला ये है तो कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है, इसको कंप्यूट करने में परेशानी होती है बिकॉज ऑफ द एक्सपोनेंट, टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से सिग्मोइड को प्रेफर नहीं किया जाता। मैं समराइज कर देता हूँ, सिग्मोइड का एडवांटेज है कि प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में यूज़ किया जाता है आउटपुट लेयर में इन बाइनरी क्लासिफिकेशन, ये आज भी किया जाता है। नॉन लीनियर है तो फिर नॉन लीनियर डेटा जो है उसको कैप्चर कर पाता है, डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएट करना आसान है, बट सैचुरेटिंग है जिसकी वजह से वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम होता है, नॉन जीरो सेंटर्ड है जिसकी वजह से ट्रेनिंग स्लो हो जाती है, और फिर इसका डेरिवेटिव वगैरह कैलकुलेट करने में मेहनत करनी पड़ती है बिकॉज इसमें एक्सपोनेंट्स इन्वॉल्व है। इन शॉर्ट आज की डेट में बहुत कम ऐसा होता है कि आपके हिडन लेयर्स में आप यूज़ करो सिग्मोइड, जनरली आप नहीं करते हो, कोई भी नहीं करता, इससे बेटर ऑप्शंस हमारे पास हैं लाइक रेल्यू, ठीक है। तो मोस्टली सिग्मोइड यूज़ किया जाता है आउटपुट लेयर में जब आप बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे होते हो, ठीक है। तो ये हमारा डिस्कशन हो गया अराउंड सिग्मोइड। सो जो नेक्स्ट एक्टिवेशन फंक्शन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है टैन एच या फिर हाइपरबॉलिक टेंजेंट फंक्शन, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, बहुत कुछ सिग्मोइड के जैसा ही है, बस छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। सो पहला डिफरेंस ये है कि आपका जो टैन एच फंक्शन है वो माइनस वन से वन के बीच में रहता है, यू कैन सी, ठीक है। जहाँ पे सिग्मोइड वॉज बिटवीन जीरो एंड वन, ये माइनस वन से वन के बीच में है, ठीक है। और बाकी सब कुछ बिल्कुल सिमिलर है, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला होता है, द फॉर्मूला फॉर हाइपरबॉलिक टेंजेंट इज ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। ये इसके डेरिवेटिव का आपका फंक्शन है एंड यू कैन सी अगेन बहुत कुछ सिग्मोइड से मैच कर रहा है, बस यहाँ पे जो हाइट है वो वन है, वहाँ पे 0.25 के अराउंड थी सिग्मोइड में, थोड़ा ज़्यादा स्टीप है ये, ठीक है। बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है। जो आपका डेरिवेटिव है इसका, डेरिवेटिव इज वन माइनस टैन एच का स्क्वायर, ठीक है, यही होता है इसका डेरिवेटिव, ये खुद ही अपने डेरिवेटिव में आता है जस्ट लाइक सिग्मोइड, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है इसमें एक बस माइनर इम्प्रूवमेंट है सिग्मोइड के ऊपर, मैं आपको फिर से इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता देता हूँ। पहला एडवांटेज ये है कि ये भी नॉन लीनियर है तो नॉन लीनियरिटी कैप्चर कर सकता है, दूसरा डिफरेंशिएबल है, बहुत आराम से आप इसको डिफरेंशिएट करके इसके डेरिवेटिव्स निकाल सकते हो, और तीसरा ये है कि ये जीरो सेंटर्ड होता है, ठीक है। जब इसका एक्टिवेशन निकलेगा तो जीरो सेंटर्ड होता है, यू कैन सी इतना आपका नेगेटिव है और इतना पॉजिटिव है, उसकी वजह से क्या होगा, इसका जो ग्रेडियंट्स निकलते हैं वो पॉजिटिव भी रहते हैं और नेगेटिव भी रहते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रेनिंग है वो फास्टर है इन कंपैरिजन टू सिग्मोइड। तो इसीलिए अब सिग्मोइड के बदले ज़्यादा लॉजिकल है कि आप टैन एच यूज़ करो बिकॉज ये ज़ीरो सेंटर्ड आपको डेटा देता है, सो दिस इज़ वन ऑफ द एडवांटेजेस, ठीक है। डिसएडवांटेजेस वही है ये भी एक सैचुरेटिंग फंक्शन है, मतलब स्क्विश करता है, और उसकी वजह से बड़ी वैल्यूज़ के लिए इसका भी जो स्लोप है वो ज़ीरो हो जाता है और फिर वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम इसमें भी आती है। सो बेसिकली इट इज़ ऑल्सो प्रोन टू वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई अभी तक, ओके। एंड द सेकेंड थिंग इज कि ये भी कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें भी आपको एक्सपोनेंट्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं विच इज़ स्लो, ठीक है।
तो इन शॉर्ट समरी ये है कि सिग्मोइड के बाद टैनेच आया और उसने सिग्मोइड के एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जो स्लो ट्रेनिंग हो रही थी बिकॉज ऑफ नॉन जीरो सेंटर्ड डेटा। वो प्रॉब्लम टैनेच ने सॉल्व किया बट एक्टिवेशन वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम वाला अभी सिनेरियो अभी भी है, इसको सॉल्व नहीं हुआ, ये अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। सो गाइज, जो अगला एक्टिवेशन फंक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं वो है बहुत फेमस रेल्यू एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, आज की रेट में इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है हिडन लेयर्स में। रेल्यू फंक्शन कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसे आपके स्क्रीन पर है और इसका फॉर्मूला होता है ये मैक्स ऑफ जीरो एंड एक्स। ठीक है, सो नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए जीरो होता है और पॉजिटिव वैल्यू के लिए जो वैल्यू है वही इसका आउटपुट होता है। ठीक है, सो एक बार डिस्कस करते हैं इसके एडवांटेजेस। तो इसका सबसे पहला एडवांटेज जो है वो ये है कि ये नॉन लीनियर है। अब कुछ लोगों को इसमें डाउट रहता है कि ये तो लीनियर हुआ ना, नहीं ये नॉन लीनियर है। ठीक है, नॉन लीनियर कैसे है, बहुत सिंपल है, मतलब अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स होता तो ये लीनियर होता, बट ये तो मैक्स ऑफ एक्स है ना तो इट इज़ नॉन लीनियर। मतलब आप इसको थोड़ा सा वेरी करके कुछ इस तरह की चीज़ें भी बना सकते हो, जैसे मान लो आपने दो रेल्यू को मिला दिया, लेट्स से जीरो एक्स प्लस वन को, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जीरो एक्स माइनस वन से, तो इससे आप एक्चुअली नॉन लीनियरिटी बना सकते हो, समथिंग लाइक दिस। इस तरह का ग्राफ भी बन सकता है, तो ये नॉन लीनियर है। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई भी आपसे पूछे बता देना कि रेल्यू इज़ अ नॉन लीनियर फंक्शन। दूसरा जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि इट इज़ नॉट सैचुरेटेड, नॉट सैचुरेटेड इन द पॉजिटिव रीजन। यू कैन सी पॉजिटिव साइड में ये कितना भी आगे जा सकता है। ठीक है, तो इट इज़ नॉन सैचुरेटिंग इन द पॉजिटिव रीजन। तीसरा इसका बेनिफिट है कि इट इज़ कंप्यूटेशनली इनएक्सपेंसिव। जब इसको डेरिवेट करते हो, डिफरेंशिएट करते हो, तो बस एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, कोई ई की पावर नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से अच्छा है। एंड फोर्थ इज इसका जो कन्वर्जेंस है ये फास्टर है सिग्मोइड एंड टैन एच के कंपैरिजन में। ठीक है, अब अगर आप इसके डिसएडवांटेजेस की बात करो तो पहला ये है कि ये कंप्लीटली डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि इसको डिफरेंशिएट करते टाइम सिंपली मान लेते हैं कि अगर एक्स लेस देन जीरो है तो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा और एक्स ग्रेटर देन वन के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा। ठीक है, ये अजम्पशन है। ठीक है, तो है नहीं डिफरेंशिएबल बट कोडिंग के फॉर्म में हमने ले लिया है, इफ एल्स लगा दिया है। ठीक है, और इसका जो एक बड़ा सा एक और ड्रॉबैक है वो ये है कि ये जीरो सेंटर्ड नहीं है, नॉट जीरो सेंटर्ड जस्ट लाइक सिग्मोइड। तो इसका ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग बैच नॉर्मलाइजेशन यूज़ करते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ेंगे। बैच नॉर्मलाइजेशन क्या करता है कि अंदर जो हिडन लेयर्स होते हैं उनके आउटपुट को नॉर्मलाइज कर देता है और फिर हम नेक्स्ट लेयर में फिर वो आउटपुट को भेजते हैं। तो बैच नॉर्मलाइजेशन ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है नॉन जीरो सेंटर्ड वाला। तो इन अ वे आज की रेट में इट्स वन ऑफ द बेस्ट एक्टिवेशन फंक्शंस अराउंड। इसलिए आप देखोगे कि कहीं भी न्यूरल नेटवर्क ट्रेन हो रहा है मोस्ट लाइकली आपको एक्टिवेशन फंक्शन में रेल्यू दिखाई देगा। बट ऐसा नहीं है कि रेल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेल्यू में भी एक प्रॉब्लम है जिसको हम डाइंग रेल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं, और ये सब हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो दैट वॉज द वीडियो गाइज, आई होप हमने जो भी कॉन्सेप्ट्स कवर किए इस वीडियो में वो आपको समझ में आए एंड आई होप आपको ईजी लगा सब कुछ। अगले वीडियो में जो भी बचे हुए आपके एक्टिवेशन फंक्शंस हैं वो हम लोग कवर करेंगे और फिर हम लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, सो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।